गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वंदना जीजीसी की जूलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम मेंडल का एक संकर व द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीएससी सेकंड ईयर के पेपर सेकंड के यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है। मेंडल का एक संकर संकरण, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण या एक जोड़ी एलील भाग लेते हैं, ऐसे संकरण को हम एक संकर संकरण कहते हैं। अब एक संकर संकरण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को हमने ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया है। अब विपर्यासी लक्षण या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं? जब कोई भी दो कैरेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे कि पौधों में लंबापन और बोनापन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर हैं। बीज की आकृति गोल होना या जुरीदार होना, ये भी एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ये। या फिर एक जोड़ी एलील की बात करें, अब एलील क्या होता है? एक ही जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म जो होती है उसे हम एलील कहते हैं। जैसे कि पौधों में ऊंचाई का एक जीन होता है और उस जीन के दो एलील होते हैं, एक होता है कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी। जो कैपिटल टी है वो तो पौधों के जो लंबापन है उसको निर्धारित करता है, और जो स्मॉल टी है वो क्या करेगा, बोनेपन को निर्धारित करेगा। तो इसी टाइप से अपन देखते हैं कि एक ही जीन के दो एलील प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपन एक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की वंशागति का अध्ययन करते हैं, इसलिए हम इसे एक संकर संकरण कहते हैं। पौधों में लंबापन और बोनापन की वंशागति किसका है? एक संकर संकरण का उदाहरण है। और दूसरा, बीज की आकृति जो है वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जांपल है। अब ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है तो इसमें जो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें जो हमको पौधों का अनुपात प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशो। जो फिनोटिपिक रेशो जो होता है वो तो होता है 3:1, और जीनोटिपिक रेशो होता है 1:2:1, 1:2:1 तो होता है जीनोटाइप का रेशो, और फिनोटाइप का रेशो होता है 3:1। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप देखिए, यहाँ हमने टॉल प्लांट लिए हैं या ड्वार्फ प्लांट लिए हैं। ये टॉल प्लांट जो है वो होमोजाइगस है, ये ड्वार्फ प्लांट भी होमोजाइगस है, क्योंकि यहाँ दोनों कैपिटल टीटी है और यहाँ दोनों स्मॉल टीटी है। मतलब ये क्या है, समयुग्मजी है दोनों ही, क्योंकि यहाँ दोनों एक जैसे युग्मक प्रेजेंट है यहाँ पर। अब अपन बात करते हैं कि इसके जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल टी, इसका बनेगा स्मॉल टी। अब ये जो गैमेट होते हैं, अब इनकी जब क्रॉस होता है तो क्या बनता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। अब ये F1 पीढ़ी जो है इसमें सारे पौधे लंबे होते हैं। अब यहाँ हम देखिए, यहाँ कैपिटल टी भी प्रेजेंट है और स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ सिर्फ कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, इसलिए सारे पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। लेकिन ये पौधे कैसे हैं, हेटरोजाइगस टॉल है, क्योंकि यहाँ एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, जबकि पेरेंट में क्या थे, दोनों कैपिटल टी थे, तो वो होमोजाइगस टॉल थे और ये हेटरोजाइगस टॉल है। अब इनकी सेल्फिंग कराई जाती है, इसी की कैपिटल टी स्मॉल टी की, कैपिटल टी स्मॉल टी से सेल्फिंग कराई जाती है। तो यहाँ गैमेट बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब चेकर बोर्ड है, इससे हम समझते हैं, जैसे मेल गैमेट में बना है कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसे हमने यहाँ लिखा। फीमेल गैमेट में हमने लिखा है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये यहाँ लिखा। अब इस टी का इस टी के साथ कराएंगे तो बनेगा कैपिटल टी टी, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ आप देखिए टोटल लंबे पौधे कितने हैं, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, और ये भी लंबा है, तो 3 तो टॉल हुए, एक ड्वार्फ हुआ, मतलब एक बोना हुआ। तो इस कंडीशन में फिनोटिपिक रेशो जो है, फिनोटिपिक रेशो मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है पौधों की। तो यहाँ अपने को क्या दिख रहा है, 3 तो लंबे और एक बोने, तो फिनोटिपिक रेशो तो होता है 3:1, 3:1। और अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो जीनोटाइप में क्या होता है, हमको ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनके देखने पड़ते हैं। यहाँ दोनों कैपिटल टी है, ऐसा कोई यहाँ कॉम्बिनेशन है और नहीं है, तो यहाँ तो क्या हुआ, एक हुआ ये। दूसरी हम बात करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कोई है तो ये भी है और ये भी है, तो इनका नंबर कितना हुआ, 2। और ऐसा कोई है स्मॉल टी ये सिर्फ एक ही है, तो ये कितना हुआ, 1। तो 1:2:1, मतलब 1:2:1, ये तो क्या हुआ, जीनोटिपिक रेशो।
और फिनोटिपिक रेशो में क्या हो गया, तीन लंबे और एक बोन, तो 3:1 तो होता है फिनोटिपिक रेशो, और जीनोटिपिक रेशो क्या होता है 1:2:1, क्लियर। अब मेंडल द्वारा परिणामों का स्पष्टीकरण, मेंडल ने दो यहाँ पर अपन लक्षण लिए थे, एक जोड़ी लक्षण लिए थे, एक लंबापन और बोनापन लिया था, ये दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। उन्होंने बताया था कि ये लक्षण फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल में रहते हैं, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं, जो मेंडल के टाइम पर फैक्टर कहे जाते थे वो आज जीन कहे जाते हैं। तो पौधों में अगर लंबेपन का फैक्टर होगा तो पौधे लंबे होंगे, और बोनेपन का फैक्टर होगा तो बोने होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कैपिटल टी होगा तो भी पौधे लंबे होंगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी पौधे लंबे होंगे, और स्मॉल टी होगा तो पौधे बोने होंगे, क्लियर। यहाँ हमने देखा ही था कैपिटल टी टी होता है तो भी पौधे लंबे होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तो भी पौधे लंबे होते हैं, लेकिन स्मॉल टी होता है तो पौधे बोने होते हैं, क्लियर। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं वो युग्मों में प्रेजेंट होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों फैक्टर जो हैं ये अलग अलग हैं, यहाँ आप देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जबकि दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है वो कहलाता है प्रभावी, और जो नहीं कर पाता है वो कहलाता है अप्रभावी जीन, ठीक है। तो यहाँ पर लंबेपन का जो जीन है वो बोनेपन के प्रभाव को क्या कर देता है, छुपा देता है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रभावी जीन हो जाता है, क्लियर। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये दोनों एक साथ रहते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे में संदूषित नहीं होते, कॉन्टामिनेटेड नहीं होते, मतलब इन दोनों से लंबेपन और बोनेपन के मिक्स होकर के कोई एक अलग कैरेक्टर नहीं बन रहा है, सिर्फ इसमें से एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, कोई एक अलग से कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, इसलिए अपन बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी संदूषित नहीं होते हैं। जबकि गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ देखिए ये इनका गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्लियर। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय ये एक दूसरे से पृथक होकर के प्रत्येक युग्मक में दो वैकल्पिक कारकों में से कोई एक कारक ही पहुंचता है। तो यहाँ देखिए इसमें केवल कैपिटल टी ही पहुंचा है और इसमें केवल स्मॉल टी ही पहुंचा है, तो इन दो अल्टरनेटिव फॉर्म में से एक एक अल्टरनेटिव फॉर्म दोनों तरफ आ जाती है। अब बात करते हैं हम मेंडल के द्विसंकर क्रॉस की, डायहाइब्रिड क्रॉस की। मेंडल का जो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है, इसे हम डायहाइब्रिड या द्विसंकर क्रॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराया जाता है, और दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में जो अलग अलग पौधे होते हैं उनके बीच में क्रॉस होता है, इसलिए इसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। इनमें जो फिनोटिपिक रेशो प्राप्त होता है वो 9:3:3:1 प्राप्त होता है, जिसे हम डायहाइब्रिड रेशो कहते हैं। और जो जीनोटिपिक रेशो होता है उसको हम अगर शॉर्ट में याद रखने के लिए बोले तो उसे हम 12:24:12:12:1 बोलते हैं, जिसमें आपको हर एक नंबर के बाद में अनुपात का ये लगा देना होता है। जैसे कि 12:24:12:12:1 जब हम लिखते हैं तो यहाँ आएगा 1:2:2:2:4:1, इस टाइप से अपने को लिखना होता है, क्लियर। तो वो जो होता है वो तो जीनोटिपिक रेशो होता है 12:24:12:12:1, और फिनोटिपिक रेशो होता है 9:3:3:1। अब मेंडल ने यहाँ पर दो लक्षण लिए थे, एक तो लिया था इन्होंने बीज की आकृति और एक लिया था बीज पत्र का रंग। तो जो बीज की आकृति है, तो बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग दो लक्षण लिए थे, तो इन्होंने क्या किया था, गोल और पीले और झुर्रीदार और हरे बीज, इनका इन्होंने क्रॉस करवाया था, ठीक है। ये तो हो गई आकृति और ये हो गए कलर, ठीक है। तो इन्होंने इनको लेकर के क्रॉस कराया था, तो देखा था F1PD में सारे पौधे गोल और पीले बीज वाले थे। अब F2PD में चार प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, F1 में तो सिर्फ गोल और पीले ही हुए और F2 में चार प्रकार के हुए, इसमें से दो तो पेरेंट के जैसे थे और दो नए कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए थे। यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने राउंड और येल्लो लिया और इधर इन्होंने क्या लिया, ग्रीन और रिंकल्ड। कैपिटल RR जो है वो डोमिनेंट जीन है, इसलिए यहाँ पर ये राउंड होता है, ठीक है। ये देखिए ये राउंड है और कैपिटल Y है तो ये भी डोमिनेंट है, इसलिए इसका कलर कैसा है, येल्लो। ये दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पर स्मॉल Y और स्मॉल R हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैपिटल R तो किसको शो करता है, राउंड को शो करता है, तो स्मॉल R किसको शो करेगा, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार को शो करेगा। उसी तरीके से कैपिटल वाई येलो कलर को शो करता है, तो स्मॉल वाई किसको कर रहा है, ग्रीन को शो करता है, ठीक है।
अब इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर बनेगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। फिर इनका जब क्रॉस होता है तो यहाँ पर एफ1 जनरेशन में हमको क्या मिलता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मिल गया। अब यहाँ देखिए यहाँ कैपिटल आर भी प्रेजेंट है और कैपिटल वाई भी है, मतलब दो डोमिनेंट जीन यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो F1PD में जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, राउंड एंड येल्लो, क्लियर। तो राउंड और येल्लो जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, हरे और जुर्रीदार के ऊपर, ग्रीन और रिंकल्ड के ऊपर ये डोमिनेंट है, इसलिए इसने अपने आप को F1PD में प्रकट किया, जबकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो ये तो हो गए अप्रभावी और ये हो गए प्रभावी, क्लियर। अब हम यहाँ पर इसके गैमेट बनाते हैं, यहाँ देखिए इस कैपिटल वाई को इस कैपिटल आर के साथ में रखेंगे, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, इस कैपिटल वाई का इस कैपिटल आर के साथ में करेंगे, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, अब स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ठीक इसी टाइप के गैमेट इधर भी बन जाएंगे यहाँ पर। अब इनके क्रॉस करवाते हैं, यहाँ देखिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये आ गया। यहाँ देखिए सेकेंड में कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये आ गया। अब इसमें देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी आ गया। इसमें देखिए अब कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया। फिर इधर आइए कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इसी टाइप से अपन यहाँ पर भी करवाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पर एक भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो वो बीज तो क्या होंगे, राउंड और येलो, एक भी उपस्थित है, अगर एक भी कैपिटल आर है तो वो कैसे होंगे, राउंड, और एक भी वाई उपस्थित है तो वो होंगे येलो। जहाँ दो उपस्थित है, दो कैपिटल आर दो कैपिटल वाई है, तो वो भी क्या होंगे, राउंड एंड येलो। और जहाँ एक कैपिटल आर भी प्रेजेंट है तो ऐसे बीज तो क्या होंगे, राउंड, और उसके साथ में अगर कैपिटल वाई भी है तो वो क्या होंगे, राउंड एंड येलो। तो यहाँ देखिए यहाँ दो कैपिटल आर दो कैपिटल वाई है तो ये क्या होंगे, राउंड एंड येलो, ये भी क्या होंगे, राउंड एंड येलो, ये भी होंगे राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो। अब यहाँ देखिए यहाँ कैपिटल वाई तो है लेकिन स्मॉल आर है, तो कैपिटल वाई तो किसको करता है, येलो को, तो इसका कलर येलो है, और स्मॉल आर किसको करता है, रिंकल्ड जुर्रीदार को, इसलिए कैसे हैं, जुर्रीदार, तो ये कैसे हो गए, पीले और जुर्रीदार हो गए, क्लियर। अब यहाँ देखिए आप, ये तो राउंड येलो हमने पढ़ाई था, अब इस कंडीशन में देखिए कैपिटल वाई तो है मतलब ये येलो तो होगा लेकिन यहाँ कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है, तो ये कैसे हो गए, जुर्रीदार हो गए। अब ये हमने देखा राउंड येलो थे, यहाँ देखिए अब यहाँ कैपिटल आर तो है इसलिए वो राउंड है, और लेकिन यहाँ स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई किसको शो करेगा, यहाँ पर ग्रीन को शो करता है, क्लियर। यहाँ देखिए यहाँ कैपिटल आर है तो राउंड होंगे लेकिन स्मॉल वाई है इसलिए ग्रीन हुआ, ये राउंड येलो है ये। यहाँ देखिए यहाँ कैपिटल वाई है इसलिए येलो कलर का हुआ लेकिन स्मॉल आर है इसलिए कैसा हुआ, रिंकल्ड हुआ। कैपिटल आर है इसलिए राउंड हुआ और स्मॉल वाई है इसलिए कैसा हुआ, ग्रीन। यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल आर है इसलिए कैसे हो गए, ग्रीन और रिंकल्ड। तो आप यहाँ देखिए हमको जो यहाँ पर पौधे प्राप्त हुए हैं उनके बीज में बीजों में अपन देखते हैं कि यहाँ तो येलो और राउंड बीज प्राप्त हुए, तो 9 तो येलो और राउंड बीज वाले हुए और एक पौधा कैसा हुआ, ग्रीन और रिंकल्ड वाला, और 3 हुए ग्रीन और राउंड वाले और 3 हुए येलो और रिंकल्ड वाले। तो इसमें से आप देखिए कि ये जो दो हैं दो प्रकार तो कैसे हुए, पेरेंट के जैसे ही हुए, पेरेंट में क्या था, राउंड और येलो और ग्रीन एंड रिंकल्ड, मतलब कि गोल और पीले थे, हरे और झुर्रीदार थे। तो यहाँ देखिए ये गोल और पीले और हरे और झुर्रीदार, ये दो कॉम्बिनेशन तो पेरेंट के जैसे ही, ये दो नए बने हैं। यहाँ पर ये क्या हुआ, ग्रीन तो चला गया राउंड के साथ में और येलो चला गया रिंकल्ड के साथ में, तो ये दो अलग कॉम्बिनेशन यहाँ बने हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 9 तो बने हैं येलो राउंड, 3 बने हैं ग्रीन राउंड और 3 बने हैं येलो रिंकल्ड और 1 बना है ग्रीन रिंकल्ड। तो इसका फिनोटिपिक रेशो, बाहर से अपने को ये सब दिख रहा है तो इसका फिनोटिपिक रेशो कितना हुआ, 9:3:3:1,
9:3:3:1, ये क्या हुआ, डाई हाइब्रिड रेशो का फिनोटिपिक रेशो हुआ। और जबकि जीनोटिपिक रेशो की अगर अपन बात करेंगे तो वो कैसे निकालेंगे अपन, अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा जीनोटिपिक रेशो निकालने के लिए कि कैपिटल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल आर ऐसा कॉम्बिनेशन और कहीं है क्या। देखो कहाँ दो कैपिटल वाई और दो कैपिटल आर है इनमें है, नहीं। ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं भी नहीं है जहां दो कैपिटल वाई और दो कैपिटल आर साथ हो। तो ये कितना हुआ, इस टाइप का कितना हुआ, एक ही हुआ सिर्फ, ठीक है। उसी तरीके से हम इधर देखते हैं कि दो कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर कहाँ पर है। तो देखिए दो कैपिटल वाई, देखो पहले तो ये रहा और एक कैपिटल आर ये है, तो एक ये हुआ एक ये हुआ। फिर और देखो और कहीं है, दो कैपिटल वाई है लेकिन कैपिटल आर नहीं है, और नहीं। तो एक तो ये हुआ, दो ये हो गए, तो 1:2। फिर अब वापस अपन देखते हैं, अब देखिए आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन दिखता है आपको, ये वाला कॉम्बिनेशन हुआ। तो ये भी कितने हो गए, ये दो हो गए, क्लियर। तो देखिए 1 ये हुआ, 2 ये हुआ और 2 ये हुआ, तो 1:2:2 हो गए। अब ये देखिए ये कितने हैं, वाई वाई आर आर, देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कहाँ साथ में दिख रहा है, ये रहा देखिए, एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा और एक ये रहा। तो कितना हुआ, ये वाले तो कितने हुए, ये इस टाइप के तो एक ही हुआ, इस टाइप के दो हो गए, और फिर ये वाले कितने थे, वाई वाई आर आर वाले ये दो थे, ये वाला और ये वाला। तो 1:2:2:4 ये कितने, 4 हो गए। तो इसी टाइप से अपन सारे कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो अपने को जो जीनोटिपिक रेशो प्राप्त होगा वो कितना होगा, हम याद रखने के हिसाब से उसे बोलते हैं 12:24:12:12:1। लेकिन आपको लिखना इसको कैसे है, 1:2:2, अब देखो ये क्या थे, ये एक थे तो 1:1, ये कितने थे 2, तो लिखेंगे 2, फिर अनुपात, फिर ये कितने थे 2, तो वापस 2 लिखेंगे, फिर ये कितने थे 4, तो इनको वापस लिखेंगे 4। फिर और अपन देखते जाएंगे कॉम्बिनेशन किस कौन से कॉम्बिनेशन कितने हैं, तो अपन लिखेंगे इसको 12:24:12:12:1। आपको लिखना कैसे, 1:2:2:4:1:2 इस टाइप से आपको लिखना है, क्लियर। ये डायहाइब्रिड रेशो जो हमने पढ़ा था अभी, इसके अंदर हमने देखा ही था कि यहाँ पर क्या था, राउंड और येलो तो 9 थे, राउंड और ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1 हुए। तो टोटल 9:3:3:1 तो फिनोटिपिक रेशो हो गया इसका। अब मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला था, ये आपको, ये भी रिंकल्ड येलो ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको डायहाइब्रिड रेशो का दिखा रखा है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेंडल ने क्या स्पष्टीकरण दिया था कि मेंडल ने यहाँ पर दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। तो यहाँ पर उन्होंने बीच का क्या लिया था, पीले और गोल लिए थे, गोल पीले लक्षण लिया और हरा झुर्रीदार लक्षण लिया। तो उन्होंने बताया था कि गोल और पीला लक्षण हरे और झुर्रीदार लक्षण पर प्रभावी होता है, इसीलिए F1 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे हुए, गोल और पीले प्राप्त हुए, क्लियर। लेकिन जब F2 पीढ़ी हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, चारों लक्षण स्वतंत्र रूप से पृथक हो गए थे। तो इसलिए क्या था कि दो तो पेरेंट जैसे कॉम्बिनेशन थे ही, लेकिन दो अलग कॉम्बिनेशन भी प्राप्त हुए। ये कभी पॉसिबल था, जब ये स्वतंत्र रूप से अपना व्यवहार करें तभी ऐसा पॉसिबल था कि दो अलग कॉम्बिनेशन बने। अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं कि जैसे ये वाला हमेशा वाई के साथ ही रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही रहेगा, तो हमेशा क्या होता, राउंड और येलो ही बनता है ना, हमेशा कैसा बनता, येलो और राउंड ही बनता, कभी येलो रिंकल्ड नहीं बन पाता। क्योंकि ऐसा अगर होता कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही रहेगा तो यही कॉम्बिनेशन बनना था। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ में भी प्रेजेंट है, देखा आपने। और इसी तरीके से जो स्मॉल वाई और स्मॉल आर हैं, ये स्मॉल वाई भी कैपिटल आर के साथ में भी प्रेजेंट होता है, ये देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ में भी प्रेजेंट। तो मतलब ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, इनका पृथक्करण हो जाता है और ये स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जोड़ी के विपर्यासी लक्षण जो हैं वो
मतलब इनके स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं, इस कारण प्रत्येक जोड़ी के विपर्यासी लक्षणों से स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। इसीलिए बीजों का रंग उसकी आकृति से प्रभावित नहीं होकर के स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। ऐसा नहीं है कि राउंड वाला हमेशा येल्लो के साथ ही रहेगा और ग्रीन वाला हमेशा रिंकल्ड के साथ ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये सब गैमेट बनते वक्त स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से ये व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन के समय मटर के बीजों की गोल और झुर्रीदार आकृति के जीन्स बीज पत्रों के पीले या हरे रंग के जीन्स से स्वतंत्र रूप से अभिव्यूहन करते हैं। इसीलिए एफ टू पी डी में दो प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो दो कॉम्बिनेशन कौन से हो गए थे? वो ग्रीन और राउंड और येल्लो और रिंकल। क्लियर? तो ये आज हमने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।